अल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित होता है जबकि कल्पना पूरी दुनिया को गले लगाती है, विकास को उत्तेजित करती है और विकास को जन्म देती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम महान साइंस फिक्शन लेखक एचजी वेल्स के विषय में जानेंगे, जिनकी लिखी हुई कुछ कल्पनाएँ वास्तव में सत्य घटनाएँ बन गई। एचजी वेल्स, जिनका पूरा नाम था हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, वे एक महान साइंस फिक्शन यानी काल्पनिक विज्ञान के लेखक थे। वेल्स का जन्म इंग्लैंड के एक गांव ब्रूमली में 21 सितंबर सन 1866 को हुआ था। वे एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से थे और पारिवारिक की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण 13 साल की उम्र में ही वेल्स स्कूल छोड़ दिए और काम करने लगे। लेकिन 3 साल के अंदर ही वेल्स सामान्य स्कूली स्कॉलरशिप पाकर अन्य विषयों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में शिक्षा प्राप्त किए। सन 1874 के एक एक्सीडेंट में युवा वेल्स के पैर टूट गए, जिसके कारण वेल्स चलने में असमर्थ हो गए। समय बिताने के लिए वेल्स किताबें पढ़ा करते। वे अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़कर बिताने लगे, जिससे उनको लिखने का प्रोत्साहन मिला। पूरी तरह से ठीक होने के बाद वेल्स अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अनेक प्रयास किए, पर खुद को असमर्थ पाया। कुछ समय के बाद वेल्स एक लेखक बनने के लिए खुद को समर्पित कर दिए और कॉलेज के दौरान वेल्स द क्रॉनिक आर्गोनॉट्स नामक समय यात्रा के बारे में छोटी कहानी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भविष्य की साहित्यिक सफलता को दर्शाया। इस प्रकार सन 1895 में वेल्स द टाइम मशीन नामक कहानी के प्रकाशन से रातों रात दुनिया भर में विख्यात हो गए। यह पुस्तक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक के बारे में थी जो एक समय यात्रा मशीन विकसित करता है और समय यात्रा करने में सफलता हासिल कर लेता है। उस समय यह अविश्वसनीय था कि वेल्स टाइम मशीन जैसी कोई किताब लिखने में सक्षम होंगे, क्योंकि 1890 के दशक में फिजिक्स केवल आइजैक न्यूटन के अनुसार ही चलता था और उस समय सापेक्षता के नियम यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कोई नहीं जानता था। वास्तव में 10 साल के बाद वेल्स के समय यात्रा के काल्पनिक कहानी के सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सच साबित कर दिया। सन 1857 में वेल्स का एक और किताब प्रकाशित हुआ। कहानी का नाम था द इनविजिबल मैन। इस कहानी में वेल्स ने यह स्पष्ट किया था कि क्या होगा अगर इंसान अदृश्य हो जाए। यूसी बर्कली में प्रोफेसर जेंगजेंग और उनके साथी अदृश्य होने के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इस काम में कुछ सफलता भी प्राप्त किया है। प्रोफेसर जेंगजेंग ने एक ऐसी वस्तु की खोज की है जिसका नाम है मेटा मटेरियल्स। यह एक कारपेट जैसी वस्तु है जिस पर से लाइट इस प्रकार रिफ्लेक्ट होती है कि प्रतीत होता है वस्तु अदृश्य है।